तो मुझे लग रहा है पता क्या क्या कुछ नहीं ना ना हेलो व्यूअर्स, इट्स मी अजय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज का वीडियो है एक रोड ट्रिप के बारे में। आज हम काछाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिहार से हम जा रहे हैं हाफलॉन्ग, और उसका डिस्टेंस है अराउंड 90 किलोमीटर, और एज़ पर गूगल टाइम हमें दिखा रहा है अराउंड 3.5 आवर्स। ठीक है, तो 4 घंटा मोटा मोटी लग जाएगा। तो हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि अभी रोड का कंडीशन कैसा है और कितना टाइम लगता है हाफलॉन्ग पहुँचने में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हम लोग जा रहे हैं अब बलेनो गाड़ी से, 2 बलेनो हम एक साथ जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं और आपसे शेयर करते हैं। तो व्यूअर्स, अभी हम निकल रहे हैं और टाइम हो रहा है 3:30। अभी हम जाएंगे पहले पेट्रोल पंप, वहाँ से पेट्रोल फिल करेंगे। तो व्यूअर्स, अभी टाइम हो रहा है 3:45 और अभी हम आ चुके हैं अराउंड 10 किलोमीटर्स होगा। तो अभी यहाँ से हम लोग दोनों गाड़ियों में पेट्रोल फिल करके फिर हम लोग निकलेंगे। तो हम लोग ये रोड ट्रिप से हाफलॉन्ग जा रहे हैं, इसका कारण है मेरे रिलेटिव के प्री वेडिंग जो रिचुअल्स रहता है, हम बंगाली में उसको मंगलाचरण कहते हैं, तो वो प्रोग्राम है हाफलॉन्ग में। तो उसके लिए हम यहाँ पे जा रहे हैं बिहार से हाफलॉन्ग बाई रोड, और कल हम फिर से रिटर्न होंगे, शायद 3 बजे निकल जाएंगे वहाँ से। अभी जिस रूट से हम जा रहे हैं, ये जगह पड़ता है बड़खला, और ये जो रोड है वो कनेक्ट होगा NH 27। अभी जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे सामने जो है वो NH 27 है, हम उससे जा रहे हैं। और लगभग हमें अभी तक जितना रोड मिल रहा है वो अच्छा ही है। अभी आगे क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। और आप देखिए नेचर कितना सुंदर है। ये अभी शाम का वक्त है, सूरज भी ढल रहा है धीरे धीरे, तो ब्यूटी तो एक अलग लेवल का है। तो ये है उधरबंद हाईवे, और यहाँ पे पहले हमें एक चेक पोस्ट मिला। यहाँ पे पुलिस चेक कर रहा है गाड़ी खोल के कि अंदर कुछ है क्या, सस्पिशियस थिंग्स। तो हमारे गाड़ी में तो कुछ नहीं है, फिर भी उन्होंने चेक किया और फिर हम यहाँ से निकले। और चेक करना भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए वैसे ही लोग निकलते हैं अपने साथ ही बहुत कुछ सामान लेके, देखने में तो सब कुछ ठीक ही लगता है, अंदर क्या क्या है वो तो चेक होगा तो ही पता चलेगा। चेकिंग करना ठीक ही है, देखिए अगर कोई ऐसा चीज़ लेके कोई निकला है, अगर पुलिस चेक नहीं करेगा तो वो आइडेंटिफाई कैसा होगा, कैसे होगा मतलब। तो ठीक है, चेकिंग करना तो ज़रूरी है। और यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा जो बैड रोड है वो मिलने लगा है। अब देखेंगे, ये अगर बारिश का वक्त होगा तो सिचुएशन बहुत ही ख़राब होगा, क्योंकि मिट्टी का रोड है और ऊपर से लैंडस्लाइड भी है थोड़ा थोड़ा बहुत सारे जगहों पर। अभी रोड का काम चल रहा है इसलिए कुछ कुछ जगह से मिट्टी भी नीचे आ रहा है, और धूल बहुत ज़्यादा है। आप अगर जाएंगे तो आपका गाड़ी का जो मिरर है वो क्लोज ही रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल है, और बारिश के टाइम में तो आपको बहुत सारा मड देखने को मिलेगा रोड पे। I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. और अभी लगभग शाम हो चुका है, हमने गाड़ी का जो हेडलाइट है वो भी ऑन कर दिया है, और हमारे आगे जो गाड़ी है उसके पीछे पीछे ही हम जा रहे हैं। वो लोग हमें गाइड कर रहे हैं कहाँ से जाना है, और गूगल में भी हम चेक कर रहे हैं थोड़े थोड़े देर बाद में ही कितना किलोमीटर अभी और बाकी है, वैसे करके ही जा रहे हैं। और रोड का कंडीशन आप देख ही पा रहे हैं कि रोड लगभग ख़राब ही है, हमें मिट्टी कीचड़ धूल पत्थर ये सब के ऊपर से ही हमें जाना पड़ रहा है। और ये देखिए जितने भी बड़े गाड़ी है उनके लिए ये रोड अच्छा है, और जो छोटा गाड़ी होगा और उसका अगर ग्राउंड क्लियरेंस कम होगा तो उसमें थोड़ा आपको देख के ही राइड करना पड़ेगा।
और यहाँ पे हमें थोड़ा अच्छा रोड मिला, जगह का नाम तो मालूम नहीं है, और यहाँ पे हमें मतलब पीच का सड़क देखने को मिल रहा है और हम लोग खींच के जा रहे हैं। हमारे आगे एक महिंद्रा पिकअप ट्रक है, वो कुछ कुछ टाइम में आगे जाता है, कुछ कुछ टाइम में पीछे, और ऐसा एक कांड कर दिया उसने, अचानक ब्रेक लगा दिया एक जगह पे, और फिर मतलब रोड पे खड़े होके वो किसी से बातें कर रहा है, उसका कोई जान पहचान का होगा, तो मतलब एकदम ही सेंसेबल आदमी नहीं था ये। और यहाँ पे हमें दूसरा चेकिंग मिलता है, जो पुलिस ऑफिशियल्स थे उन्होंने पूछा आप लोग कहाँ जा रहे हैं, और हम लोग ने बताया हम लोग जहाँ जा रहे हैं हाफलोंग, तो फिर हम लोग निकले यहाँ से। उन्होंने चेक वर्क कुछ नहीं किया, वो लोग सिर्फ खड़े ही थे। अब वीडियो भी देखिए, वो रात का वक्त है और गोप्रो से वीडियो इतना क्लियर नहीं आया, मतलब वो है बात। और अभी हम आए हैं हरेंगा जाम, यहाँ पे हम लोग के थोड़ा चाय वाय पियेंगे, वहाँ पे एक गाड़ी खड़ा है हम लोगों का और ये दूसरे वाला यहाँ पे है। और यहाँ पे छोटा सा बाज़ार है, यहाँ पे फ्रूट्स भी है बहुत सारा, और ये बहुत ही कॉस्टली है। हमने पूछा था ऑरेंज का प्राइसेस, वो बोल रहा है मतलब 4 ऑरेंज का प्राइस है 100 रुपीज़ अच्छा वाला। और यहाँ पे हमने चाय और बिस्कुट खा के, मतलब चाय पी के बिस्कुट खा के फिर हम इसे निकले, और यहाँ से हमने चाय वाय पिया और थोड़ा चिप्स और भुजिया भी दे दिया। तो अभी फिर से हम जा रहे हैं यहाँ हरेंगा जाओ से, और अभी टाइम हो रहा है आपके 5:35, पर गूगल हमें टाइम लगेगा और 1:20 ऐसा कुछ, सॉरी 1:20 ऐसा कुछ टाइम लगेगा। तो अभी चलते हैं, अभी ठंड भी है थोड़ा थोड़ा, और रोड का कंडीशन आपने देखा ही होगा वीडियो में, मिक्स है, कुछ कुछ जगह पे अच्छा है, कुछ कुछ जगह पे बहुत ही ख़राब है। तो अभी फिर से चलते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे हमें एक जाम देखने को मिला, बहुत सारे गाड़ियाँ एक लाइन पे कतार पे खड़ा हुआ था, और ज़्यादा वक्त नहीं लगा, यहाँ से हम लोग जल्दी ही निकल गए। रोड में बहुत ज़्यादा कीचड़ था, इसलिए शायद दो ट्रक आपस में मतलब क्रॉस करने वाले थे, वहाँ से ही जाम का शुरुआत हुआ। फिर कुछ वक्त के बाद ये जाम खुल गया और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। तो अभी जाम क्लियर हुआ है और हम अभी जा रहे हैं। ये जो जगह है मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आप देख पाएंगे इतना कीचड़ था, मतलब जैसे गाड़ी का जो नीचे वाला जितने भी पर्सन है ना, वो जैसे घिस घिस के जा रहा है ये मट के ऊपर से, और जो बड़ा बड़ा ट्रक रहता है रोड पे, उसका जो दोनों साइड का टायर का जो साइज है, उसी साइज में ना रोड मतलब नीचे है और बाकी बीच में जो पर्सन है वो पूरा ऊपर है। तो यहाँ पे हम लोग मतलब बहुत तकलीफ़ से और घिस घिस के निकले, अब देख पाएंगे, और शाम रात का वक्त है ना, इसलिए वीडियो भी इतना विजिबिलिटी भी कम है। तो हम लोग थोड़ा मतलब एकदम देखिए, अब रोड का जो स्पेस है वो भी बिल्कुल कम है, और हम लोग बहुत धीरे 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 यहाँ से निकले। व्यूअर्स, अभी हम लोग हाफलोंग में एंटर हो रहे हैं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अराउंड 10 मिनट्स हम लोग हाफलोंग पहुँच जाएंगे। और अभी यहाँ से हमें अच्छा रोड देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, अभी गाड़ी खींच के हम लोग जा रहे हैं। Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Our first time, our first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. तो व्यूअर्स, अभी हम हाफलोंग में पहुंच चुके हैं, और ये जो जगह है ये है मेन रोड हाफलोंग, और
हमने जर्नी जो है वो स्टार्ट किया था 3:30 को और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए अराउंड 7:45, तो लगभग 4 घंटे से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। और रास्ते का कंडीशन के बारे में अगर बताऊँ, मैं सब जगह का नाम नहीं जानता था, इसलिए मैंने वो शेयर नहीं किया आपसे कि कौन सा जगह अभी क्रॉस हो रहा है। तो रोड का कंडीशन आप समझ लीजिए 70% ही ख़राब है और थोड़ा थोड़ा 30% आपको अच्छा रोड मिलेगा। अगर आप गाड़ी से कभी यहाँ पे हाफ लॉन्ग आने के लिए प्लान कर रहे हैं, अभी जैसे चल रहा है November 2023 और आज है 22 November, तो आप कुछ दिन बाद ही ट्राई कीजिए, क्योंकि अभी रोड का काम भी चल रहा है। लगभग आशा करते हैं 6 महीने के अंदर ये थोड़ा थोड़ा मतलब अच्छा हो जाएगा, तो कुछ ऐसा है। तो व्यूअर्स, आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।